फ्रैक्शन के अंदर वोल्टा का मान क्या कर लेंगे, जीरो ले लेते हैं। अगर वोल्टा का मान जीरो लेंगे तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन ने बैटरी नहीं जोड़ रखी, क्या नहीं कर रखा, बैटरी नहीं जोड़ रखी। अगर बैटरी नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, बैटरी नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे फोटोन आपस किया तो इलेक्ट्रॉन तो उत्पन्न नहीं होंगे होंगे, पर अब इस इलेक्ट्रॉन को कोई पीछे से रिपेल करने वाला नहीं है, क्या नहीं है, रिपेल करने वाला नहीं है। और ये रिपेल करने वाली कंडीशन कब लागू होगी, जब यहाँ पे वी नॉट इक्वल जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे वोल्टा का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे वोल्टा का मान जीरो हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला कोई नहीं है, ना आगे से है ना पीछे से, कोई भी नहीं है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या इस संग्राहक प्लेट पर पहुंच पाएगा, क्या इस इसमें प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रवाहित हो पाएगा, क्या होगा? अब आप लोग बोलोगे कि नहीं होगा मैम, पर मैं बोलूंगी कि होगा। क्यों, आ जाओ, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे फोटोन आपस कर दिया, कर दिया। करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी पी टू पर जाएगा, बिना चार्ज के भी जाएगा। क्यों, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, बैटरी भी नहीं जुड़ी है सर्किट के अंदर, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होता है तो इसके पास गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तो ये नहीं है कि वो दूसरे वाले वो इधर से वो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा जो चार्ज लगेगा तभी वो निकलेगा। इलेक्ट्रॉन के खुद के पास भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा चार्ज रहता है, गतिज ऊर्जा रहती है इलेक्ट्रॉन के पास, क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन के पास खुद भी गतिज ऊर्जा रहती है, देखिए। तो वो गतिज ऊर्जा के कारण इस पी वन से पी टू पर पहुंचेगा, क्या करेगा, गतिज ऊर्जा के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पी वन से पी टू पर पहुंचेगा, पहुंचेगा। अब अगर ये पी टू पर पहुंचेगा तो अंदर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब देखो इसको अपन इस चीज से समझते हैं, चलो ये मैंने क्या लिया, अपन क्या करेंगे यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। जरा सुंदर साइड बना लेते हैं इसको, ठीक है जी। ये तो मैंने क्या लिया यहाँ पे तीव्रता, यहाँ पे अपन ने लिया प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, इसको छोड़ो यहाँ पे लिखा प्रकाश विद्युत या विद्युत, क्या बोला, यही चीज बोली, इसको समझ रहे पहले एक बार कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद के पास से गतिज ऊर्जा होती है, तब वी नॉट वी इक्वल जीरो होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन आपको किया तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण ये इस प्लेट से उस प्लेट से पहुंच जाएगा और
लग जाएगी। ओके जी, अब देखो अपन क्या करते हैं, अपन ने यहाँ पे इस बोर्ड का ये फुल बोर्ड कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। क्या बोला मैंने वहाँ पे, बोर्ड का जीरो नहीं, यहाँ पे बोर्ड का जीरो। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की कुछ गति, इलेक्ट्रॉन की कुछ ऊर्जा। अब बोलेंगे अपन, अगर अपन वोल्टा का मान बढ़ाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, प्रकाश विद्युत धारा यानी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यदि प्रकाश की तीव्रता फिक्स है, क्या करेंगे इस प्रकार, प्रकाश की तीव्रता यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, फिक्स कर देंगे, तो आने वाली प्रति सेकंड फोटोन की संख्या भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तीव्रता क्या होगी, फोटोन की संख्या होगी, तो आने वाली फोटोन की संख्या भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अगर बैटरी लगा दी जाए, क्या कर दी जाए, अगर बैटरी लगा दी जाए, देखो कि बैटरी लगा दी जाए तो वोल्टा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्या कर देंगे वोल्टा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने ये कंडीशन आपको दो बार बता दी, मल्टीपल जीरो हमारा बैटरी। अब मैंने क्या किया, इस सब्जेक्ट के अंदर बैटरी लगा, बैटरी लगा, तो मैंने क्या किया, इस वोल्टा को बढ़ाया, इस बिंदु के ऊपर क्या है वोल्टा, इस वोल्टा को मैंने कुछ दूरी तक बढ़ाया, मान लीजिए अपना कोई चला, इस बिंदु तक बढ़ाया अपने को, इस बिंदु तक बढ़ाया। अगर वोल्टा को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, धारा का मान भी बढ़ेगा, क्या होगा देखिए, अब अपन बात करते हैं, अगर मैंने सर्किट के अंदर बैटरी जोड़ दी तो उस सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित करने के लिए अपन वोल्टा को बढ़ाएंगे, क्योंकि वोल्टा अपन ने यहाँ पे लिया था जीरो वोल्ट लिया था, तो जीरो वोल्ट के वोल्टा बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इस जीरो वोल्ट के ऊपर अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ दूरी पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़े, लेकिन अगर तीव्रता है, क्या बोला था, क्या किया, तीव्रता को नियत रखा तो फोटोन की संख्या भी फिक्स, फोटोन की संख्या फिक्स तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स, फोटोन की संख्या भी फिक्स, इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स हो जाएगी। अब देखो तो संग्राहक प्लेट की ओर जाने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर मैंने इस वोल्टा को बढ़ाया, इस वोल्टा से कुछ मान की धारा बढ़ेगी, क्या होगा, इस वोल्टा से कुछ मान की धारा बढ़ेगी। अब अगर मैंने तीव्रता को फिक्स कर दिया, तीव्रता को फिक्स करेंगे तो ये जो मान की धारा है इस जीरो वोल्ट के ऊपर बैटरी लगाने के बाद, इस पॉइंट के ऊपर ये जो प्रकाश विद्युत धारा का
अब यदि तीव्रता I1 से बढ़ाकर I2 कर दी जाए तो I2 क्या है? यहाँ पे है, अगर I2 यहाँ पे है तो थोड़ी सी और वोल्टता बढ़ा दिए, बढ़ा दी और वोल्टता बढ़ाएंगे थोड़ा सा और धारा का मान भी बढ़ेगा, बढ़ेगा धारा का मान बढ़ेगा तो एक पॉइंट पर आके ये धारा का मान क्या हो जाएगा? फिक्स। क्या हो जाएगा? फिक्स। तीव्रता I2 ये क्या तीव्रता I2। ठीक है जी, मैंने क्या किया देखो, कुछ मान की वोल्ट का बढ़ कुछ मान की क्या की मैंने वोल्ट का बढ़ ये मान लो कि इस जीरो से लेके यहाँ तक की वोल्ट का बढ़ यहाँ पे इस पॉइंट से उसको क्या कहते हैं? अब इस पॉइंट के ऊपर अपन वोल्ट का बढ़ाएंगे तो प्रकाश वेग धारा का मान भी बढ़ेगा ऊपर जाके। अब उस प्रकाश वेग धारा का मान एक निश्चित टाइम तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद से अपन ने क्या कर दी तीव्रता को नियत। अगर तीव्रता को नियत किया तो ये प्रकाश की वेग धारा इतनी बढ़ के यहाँ पे क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, तीव्रता फिक्स हो जाएगी, प्रकाश की वेग धारा से देखो बढ़ी बढ़ी, पर एक टाइम पे ये तीव्रता क्या हो गई? इसी तरीके से तीव्रता I2 का मतलब अपने थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये कौन सा है? इसके ऊपर अपनी प्रकाश वेग धारा को बढ़ाया बढ़ाया, बढ़ाने के बाद ये भी क्या हो गया? फिर से फिक्स हो गई। ये कंडीशन अपन कब अप्लाई करेंगे? जब अपन इसके अंदर वोल्ट का या फिर बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ने के बाद अप्लाई करेंगे। ओके जी। अब यदि क्या किया जाए, तीव्रता I1 से बढ़ाकर I2 कर दी जाए तो फोटोइलेक्ट्रिक का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को करंट लिखना क्या है? देखो पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को लिखना क्या है? यदि एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टता का मान क्या? यदि एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टता का मान शून्य हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाहित, तो अपने इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा के कारण कुछ मान की धारा क्या करेगा? प्रवाहित करेगा, सम्राट प्लेट पर पहुंचेंगे जिसके कारण वोल्टता शून्य होने के बाद भी कुछ मान की धारा होगी। देखो यदि एनोड और कैथोड, यदि एनोड और कैथोड, यदि एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टता का मान शून्य हो, वोल्टता का मान अपनी ही गति ऊर्जा के कारण अपनी ही गति ऊर्जा के कारण संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे? संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाएंगे या फिर पहुंच जाएंगे की प्रकाश होती प्रवाहित होगी। क्या होगी? जिससे कुछ मान की प्रकाश होती है, कुछ मान की प्रकाश होती प्रवाहित हो रही है, तो कुछ मान की प्रकाश होती द्वारा प्रवाहित जी। ये अपना था और ये मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया है कि एक बार अपन बैटरी जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन होती है और एक बार अपन बैटरी जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन होती है। ओके, अब अपन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। देख लिया तो कहने का मतलब क्या है? I2
बटी छब्बीस मान लो, इसको ए सी कर दिया, तो ये नेगेटिविटी कहाँ आ जाएंगे, ये नेगेटिविटी यहाँ आ जाएंगे और ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा। ये कैसे अपने पास परिवर्तन परिवर्तक संधि, पूंजी बढ़ाई तो टर्मिनल भी बदल गया, क्या किया, अगर पूंजी मैंने बदली तो ये टर्मिनल भी क्या हो गए, चेंज हो गए। तो अब क्या P2 पर इलेक्ट्रॉन के कारण, क्या P2 पर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी कैसे, देखो कोई गाड़ी सामने से आ, अगर मैंने पूंजी भी चेंज कर दिया तो पूंजी भी क्या हो गए, चेंज हो गई। अब कहने का मतलब क्या है, अगर वहाँ पे नेगेटिव मैंने तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला कोई भी नहीं होगा, अगर वहाँ पे ये साइन टर्मिनल भी चेंज हो गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सर्किट हुआ है तो क्या ये ग्राहक ले जाने के लिए पहुँचेगा, पर पहुँचेगा देखो कैसे, कोई गाड़ी आ रही है सामने अब अगर उसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, क्या करोगे, ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाओगे तो वो क्या रुक जाएगी, कितनी रुकेगी, अरे भाई रुकेगी। अगर मान लो एक स्पीड में गाड़ी आ रही है, एक अपनी स्पीड में आ रही है, अगर उसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाओगे तो आप कुछ दूरी तक पीछे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, पर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पर वो गाड़ी आपके फोर्स से क्या होगी, रुक जाएगी, क्या होगी, रुक जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, एक परिवर्तक पूंजी के कारण संग्राहक प्लेट, क्या एक परिवर्तक पूंजी के कारण संग्राहक प्लेट पर ऋणात्मक वोल्टता लगा दी जाती है, क्या कर दी जाती है, तो इस अवस्था में कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, इस कारण कम ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, इस कारण जब परिवर्तक कुंडली के द्वारा संग्राहक प्लेट पर अपनी विद्युत वोल्टता जोड़ दी, संग्राहक प्लेट द्वारा विद्युत वोल्टता जोड़ दी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस संग्राहक प्लेट नहीं पहुंच पाते हैं, परंतु अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संग्राहक से जाते हैं। तो पूछेंगे जब अपन ये जो नेगेटिव टर्मिनल जोड़ रखा है कुछ मान धारा प्रवाहित होगी, अब यदि संग्राहक प्लेट पर नेगेटिव वोल्टता बढ़ाई जाए, क्या की जाए, अब यदि इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव वोल्टा बढ़ाई जाए तो इस प्लेट पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, नेगेटिव वोल्टा बढ़ाई जाए तो इलेक्ट्रॉन की आने की संख्या क्या होगी, कम होगी, किसी के पास आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जो कम ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन का वो तो इस प्लेट पर नहीं पहुंच पाएगी, अब जो अधिक ऊर्जा है वो फिर भी इस प्लेट पर हो जाएगी, अब ये जो अधिक ऊर्जा वाले इस इलेक्ट्रॉन पर पहुंचते हैं ना उसको भी अपन रोकेंगे, रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, ये जो मैंने वोल्टा नेगेटिव वोल्टा लगाई है अगर इसी वोल्टा को मैं और बढ़ा दूँ, नेगेटिव बढ़ा दूँ बढ़ा दूँ बढ़ा दूँ, तो फिर ये जो अधिक ऊर्जा वाले हैं ये भी नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे ना अधिक ऊर्जा वाले भी, अगर ये नहीं पहुँच पाए तो एक वोल्टा ऐसी आ जाएगी जिसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी प्रकाश वेग द्वारा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वोल्टा का मान जीरो हो जाएगा, एक वोल्टा ऐसी आएगी जिसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे भी नहीं। तो देखो इस ग्राफ के अंदर एक वोल्टा ऐसी होगी जिसके ऊपर वेद धारा का मान क्या हो जाएगा,
Thank you.